आजकल हमारे सिनेमाई दुनिया को एक नया शब्द मिला है, बॉयकॉट। ये शब्द कभी क्रांति का बिगुल था, आज ये नाराजगी का इजहार है। अब तो आए दिन कुछ न कुछ बॉयकॉट होते ही रहता है। पिछले कुछ समय में ये शब्द फिल्मी गलियारों में खूब गूंज रहा है। बहुत सी फिल्मों को इसका दंश भी झेलना पड़ा है और ये काफिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अगर हम अतीत के पन्ने पलटकर देखें तो ये बॉयकॉट की रिवायत बहुत ही पुरानी मालूम होती है। समय समय पर ऐसी फिल्में आती रही हैं जिन्हें किसी राजनीतिक दल, संगठन या समूह के द्वारा बॉयकॉट की मार झेलनी पड़ी है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही फिल्मों का जिक्र विस्तार से करने वाले हैं जिन्हें बॉयकॉट का सामना करना पड़ा था। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1978 में आई शोमैन राज कपूर साहब की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, जिसे लेकर उन दिनों काफी हो हल्ला हुआ था। इस फिल्म में दिखाए गए कई दृश्यों पर उस समय लोगों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की थी और यहां तक कि अश्लीलता को प्रमोट करने के लिए राज कपूर साहब को केस का सामना भी करना पड़ा था। लोग इस बात से भी नाराज थे कि भला फिल्म को सेंसर बोर्ड यू सर्टिफिकेट कैसे दे सकती है, इसे तो ए सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए था। हालांकि जब लोगों का विरोध बढ़ने लगा तो सेंसर बोर्ड ने अपनी गलती सुधारते हुए इसे ए सर्टिफिकेट दे दिया। साथ ही कुछ समय बाद राज कपूर साहब पर किए गए केस भी वापस ले लिए गए। इस विरोध में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि फिल्म के पोस्टर्स में अर्धनग्न दिख रही जीनत अमान को लोगों ने बकायदा कपड़ा भी पहनाया था। विरोध का यही तरीका आगे चलकर एक बार फिर से साल 2009 में देखा गया, जब सैफ अली खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म कुर्बान के पोस्टर्स पर लोगों ने कपड़े लटकाए थे। बात करें साल 1980 में आई फिल्म इंसाफ का तराजू की तो इस फिल्म ने भी लोगों के गुस्से का सामना किया था। दरअसल इस फिल्म में दिखाए गए जीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुरे के रेप वाले दृश्यों पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। यहाँ तक कि इस फिल्म पर केस भी दर्ज किए गए थे, जिसका फैसला फिल्म के निर्माता निर्देशक बीआर चोपड़ा के पक्ष में रहा और वो फिल्म को रिलीज कर सके थे। हाँ, इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बदलाव यह देखने को मिला कि उस समय सरकार ने इंडियन सिनेमेटोग्राफी एक्ट में रेप वाले दृश्यों के फिल्मांकन में कुछ सुधार किए। नए कानून के मुताबिक यह नियम बना कि इस प्रकार के दृश्यों में आप सीधे सीधे रेप होता दिखा नहीं सकते, बल्कि उसे सांकेतिक रूप में दिखाना होगा। बहरहाल वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं साल 1982 में आई फिल्म प्रेम रोग की। इस फिल्म ने भी उस समय तक खूब सुर्खियां बटोरी जब फिल्म के कथानक पर राजपूत समुदाय ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए उस पर केस कर दिए। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की बहुत चर्चित फिल्म शहंशाह की, जो कि साल 1988 में आई थी। इस फिल्म को शुरू में 1987 के अक्टूबर माह में ही रिलीज किया जाना था, परंतु उस दौर की कई राजनीतिक पार्टियों ने फिल्म के रिलीज को लेकर विरोध जताया, क्योंकि उन दिनों अमिताभ बच्चन पर बफर्स घोटाले में लिप्त होने के आरोप थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने बाला साहेब ठाकरे की मदद ली और पूरे मामले को परखने के बाद जब बाला साहेब ठाकरे इस बात से आश्वस्त हुए कि अमिताभ इस घोटाले में संलिप्त नहीं है, तो उन्होंने यह कहा कि आप बेधड़क फिल्म को रिलीज करो, महाराष्ट्र में इसका कोई भी विरोध नहीं करेगा। इस तरह से फिल्म अगले साल 1988 में जाकर रिलीज हुई। इस कड़ी में हम अगली जिस फिल्म का जिक्र करने वाले हैं वो है शाहरुख खान और जूही चावला स्टारर राम जाने, जो कि साल 1995 में आई थी। इस फिल्म के एक दृश्य में वकील समुदाय के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसका नतीजा यह रहा कि वकीलों ने फिल्म के मेकर्स और शाहरुख खान के विरुद्ध केस दायर कर दिए थे। इसी साल आई एक साउथ इंडियन फिल्म बॉम्बे पर भी लोगों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। दरअसल इस फिल्म में एक हिंदू लड़के की प्रेमिका मुस्लिम लड़की दिखाई गई थी, जो कि उस समय के कई मुस्लिम संगठनों को पसंद नहीं आई और फिल्म को उन्होंने काफी बॉयकॉट किया था। अब बात करते हैं साल 1996 में रिलीज हुई इंडो कैनेडियन फिल्म फायर की, जिसे बनाया था दीपा मेहता ने। इसकी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे शबाना आजमी और नंदिता दास। यह फिल्म दो महिलाओं के आपसी शारीरिक संबंधों के इर्द गिर्द बुनी गई थी, जो कि भारतीय फिल्म दर्शकों के लिए बिल्कुल ही नया विषय था। सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद इस फिल्म को भारत में नवंबर 1998 में पहली बार प्रदर्शित किया गया। अगले 3 हफ्तों तक फिल्म बड़े शहरों में सुगमता पूर्वक चली भी, लेकिन 2 दिसंबर 1998 को शिवसेना ने महाराष्ट्र में इसका कड़ा विरोध किया और न केवल फिल्म के पोस्टर्स जला दिए बल्कि सिनेमा घरों में तोड़ फोड़ भी मचाया। ऐसे ही विरोध दिल्ली, कलकत्ता और सूरत आदि कई शहरों में भी वहाँ के लोकल संगठनों के द्वारा किए गए। नतीजन 4 दिसंबर को सूचना एवं प्रसारण विभाग ने फिल्म को पुनः एक बार फिर से सेंसर बोर्ड को रिव्यू करने के लिए भेजा। इसके अगले ही दिन 5 दिसंबर को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों, जिनमें दीपा मेहता,
दिलीप कुमार और महेश भट्ट आदि शामिल थे ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया। इस पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि सिनेमा घरों को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। इधर जब यह बात शिव सैनिकों को पता चली तो उन्होंने दिलीप कुमार के घर के आगे नंग धड़ंग प्रदर्शन किया, जिनमें से 22 को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। बहरहाल उस समय मामला काफी गरमाया, लेकिन 12 फरवरी 1999 को सेंसर बोर्ड ने एक बार फिर से फिल्म को बिना किसी कट के साथ पास कर दिया, जिसके बाद 26 फरवरी 1999 से भारी सुरक्षा के साथ इसे फिर से सिनेमा घरों में चलाया जाने लगा। इस कड़ी में अगली जिस फिल्म का जिक्र आता है वो है साल 2000 में आई कमल हासन स्टारर हे राम। आपको यहाँ यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इसे उस समय के सभी राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक पार्टियों का विरोध का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी जहाँ इसमें गांधी जी के गलत चित्रांकन पर नाराज थी, वहीं भाजपा बाबरी विध्वंस में खुद को नकारात्मक ढंग से दिखाए जाने पर खफा हुई थी। अब बात करते हैं साल 2005 में आई दीपा मेहता की एक अन्य फिल्म वाटर की। यह फिल्म भी फायर की ही तरह विवादास्पद रही, लेकिन इस बार विवाद फिल्म के रिलीज के बाद नहीं बल्कि शूटिंग के दौरान हुई। दरअसल वाराणसी में जब फिल्म के कुछ दृश्य फिल्माए जा रहे थे तब वहाँ के कुछ लोकल धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दीपा मेहता को मजबूरन इसकी शूटिंग श्रीलंका में करनी पड़ी। इस कड़ी में अगली फिल्म के तौर पर आमिर खान स्टारर फना का जिक्र आता है, जो कि साल 2006 में आई थी। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान आमिर खान ने गुजरात में नर्मदा डैम के बनने के दौरान हुए लोगों के विस्थापन के पक्ष में वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतियों का विरोध किया था। यह बात गुजरात सरकार और भाजपा को बेहद बुरी लगी और उन्होंने इस बयान के लिए आमिर खान को माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन आमिर खान ने यह कहते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया कि मैंने जो भी कहा है वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, फिर इसमें माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आमिर के इस बयान के बाद फिल्म को अघोषित रूप से गुजरात में बैन कर दिया गया था। अब बात करते हैं साल 2009 में आई रणबीर कपूर की फिल्म वेकअप सीड की, जिसमें कोंकणा सेन शर्मा, अनुपम खेर और राहुल खन्ना जैसे अन्य कलाकार भी नजर आए थे। इस फिल्म का विरोध महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने इस बात के लिए किया था कि इसके एक दृश्य में मुंबई को बॉम्बे बोला गया है। उस समय फिल्म के कई शोज को कैंसिल करना पड़ा और जब तक कि फिल्म के निर्माता करण जौहर ने इस बाबत माफी नहीं मांगी तब तक इसे बैन का सामना करना पड़ा था। अगली जिस फिल्म का जिक्र हम करने वाले हैं वो है साल 2010 में आई माई नेम इज खान। इस फिल्म को भी महाराष्ट्र में शिवसेना के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उन दिनों शाहरुख खान ने अपने आईपीएल टीम में पाकिस्तानी क्रिकेटरों को लेने की इच्छा जताई थी, जो कि शिवसेना को अच्छी नहीं लगी। उनका मानना था कि यह एक देश विरोधी बयान है, इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने शाहरुख खान की अगली फिल्म माई नेम इज खान को महाराष्ट्र में नहीं चलने देने की घोषणा कर दी। इस विरोध के बाबत जब शाहरुख खान से पूछा गया तो उन्होंने यह कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। साथ ही जब उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया तो उनका जवाब था कि उन्हें यह समझ में नहीं आता वास्तव में वो किस बात के लिए माफी मांगे। बहरहाल जब फिल्म रिलीज की गई तो शिवसेना अपने कहे अनुसार फिल्म के पुरजोर विरोध में जुट गई, लेकिन महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के हस्तक्षेप के बाद फिल्म सुगमता पूर्वक चलाई जा सकी। इस सूची में अगली अन्य कई फिल्में भी शामिल हैं, परंतु यहाँ विशेष रूप से ध्यान आता है साल 2018 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत का। इस फिल्म में महारानी पद्मावती को गलत तरीके से दिखाए जाने पर करणी सेना ने इसका कड़ा विरोध किया था, यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट करने की खबरें भी आई थी। करणी सेना के विरोध को ध्यान में रखते हुए सेंसर बोर्ड ने फिल्म का नाम पद्मावती से पद्मावत कर दिया था। करणी सेना के अलावा कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी अलाउद्दीन खिलजी के गलत चित्रांकन का भी विरोध किया था। उनका कहना था कि एक मुस्लिम शासक को इस ढंग से दिखाया जाना गलत है। इस फिल्म के विरोध का समर्थन भारत के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस ने भी किया था। जहां भाजपा के कुछ नेताओं ने फिल्म के विरोध को जायज बताया, वहीं राजस्थान कांग्रेस ने फिल्म के बैन की मांग की थी। इस दौरान एक खबर यह भी सुनने को मिली कि कुछ शरारती तत्वों ने फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जान से मारने की धमकी दी है। खैर भारत में तो यह फिल्म बैन नहीं हुई, परंतु अलाउद्दीन खिलजी और इस्लाम को गलत ढंग से दिखाए जाने के आरोप में इसे मलेशिया जैसे कुछ मुस्लिम देशों में बैन का सामना करना पड़ा था। तो ये थी भारत के कुछ उन फिल्मों की सूची जिन्हें लाल सिंह चड्ढा की ही तरह बॉयकॉट का सामना करना पड़ा था। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें, तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके
के बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।